और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि पश्चिम बंगाल से है इस वक्त की बड़ी खबर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने बाबुल सुप्रियो का टीएमसी में स्वागत किया है। ये फिलहाल एक बड़ी खबर, हालांकि इस तरह के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि बाबुल सुप्रियो की तरफ से भी संकेत इस तरह के दिए गए थे और उन्होंने कहा, यह भी कहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए। ये तस्वीर आप देखिए, अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में शामिल कराया, उनका स्वागत किया। पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं कोलकाता से, मेरी सहयोगी। पूजा, इस तरह की संभावनाएं तो पहले भी थी। बिल्कुल पयोधी, आपको याद होगा जब फिर एक बार कैबिनेट रीशफल हुआ था, तब जो है केंद्र सरकार की ओर से बाबुल सुप्रियो को रिजाइन देने के लिए कहा गया था, इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। तब से नाराज चल रहे थे और साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी है। फेसबुक पोस्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी बाबुल सुप्रियो ने, पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी वो सिटिंग एमपी है। लेकिन ये बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में फिर जो है चुनाव आएंगे, दो सीटों पर जो है चुनाव होने हैं और भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। और इससे पहले बाबुल सुप्रियो जो एक हेवीवेट नेता है, उनका तृणमूल कांग्रेस में जाना बड़ा झटका साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन अगर उनकी जॉइनिंग की अगर आज हम बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस से बड़ी ही सीक्रेसी मेंटेन करते हुए इस मिशन को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि ये उपचुनाव जो होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में और दो सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उनकी जो स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट थी बीजेपी की, उसमें भी बाबुल सुप्रियो का नाम था। तो बीजेपी को भी नहीं पता था कि तृणमूल कांग्रेस और बाबुल सुप्रियो की आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बैनर्जी और साथ ही राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उनकी आज ज्वाइनिंग कराई गई तृणमूल कांग्रेस में। सबसे बड़ी बात यह है पूजा की ममता बनर्जी ने तो बढ़त बनाई थी इस चुनाव में, बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बाबुल सुप्रियो का उपचुनाव से पहले टीएमसी में गुपचुप तरीके से एक तरह से शामिल हो जाना, ये किन किन सीटों पर और कितना नुकसान बीजेपी को देगा? देखिए, आपको याद होगा कि यही जो है 2021 के लोकसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो चुनाव हार चुके थे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये काफी क्रूशियल इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि भवानीपुर सीट से ही राज्य सरकार में या फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लोग अपने मुख्यमंत्री को चुनेंगे। तो उससे पहले ये जरूर झटका है, क्योंकि भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ईयर में और भी चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, म्युनिसिपल बॉडी के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो उससे पहले जो है ये बड़ा झटका साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जैसे हम देख रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कई ऐसे नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन पिछले कुछ एक महीने या डेढ़ महीने की अगर हम बात करें तो कई सिटिंग एमएलए जो है फिर एक बार तृणमूल में वापसी कर चुके हैं। एक के बाद एक झटका बीजेपी को लग रहा है, और उस बीच सिटिंग एमपी का पार्टी तो पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि उपचुनाव में वो कैंपेन भी करेंगे। कैंपेनर्स जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट थी उसमें भी उनका नाम था, वो कैंपेन भी करने वाले थे प्रियंका टिब्रेवाल के लिए। लेकिन ठीक उपचुनाव से पहले, क्योंकि 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट पर, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं, उससे पहले बीजेपी से भले ही पहले छोड़ दी उन्होंने पार्टी, लेकिन आज औपचारिक तौर पे वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं बाबुल सुप्रियो। बिल्कुल पूजा, और दूसरी बात यह भी है कि उनकी नाराजगी उन्होंने बताई पार्टी जब छोड़ी उसके बाद, हालांकि क्योंकि वो जब अभी विधानसभा चुनाव में वो नहीं कर पाए जो पार्टी ने उनसे उम्मीद की थी, तो पार्टी ने भी उनके पार्टी छोड़ने पर तवज्जो नहीं दी, तो क्या यह भी एक कारण था? और दूसरी बात यह कि सुप्रियो की इमेज को टीएमसी भुना सकती है जो मौजूदा हालात हैं। बिल्कुल पयोधी, आपको याद होगा क्योंकि जब दूसरी बार भी लोकसभा सीट से जीत कर आए थे,
फिर एक बार दूसरी बार उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब कैबिनेट रीशफल हो रहा था, उनको इस्तीफा देने के लिए जब कहा गया, तब उन्होंने अपनी नाराजगी उस फेसबुक पोस्ट में जाहिर की थी। लेकिन जब अटकलें भी लगाई जा रही थी और ये भी सवाल पूछे जा रहे थे उनको कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे, तब वो लगातार चुप्पी साधे हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो पॉलिटिक्स भले ही छोड़ दे या पार्टी भले ही छोड़ दे, लेकिन जो है क्योंकि जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो एमपी बने रहे, इसलिए अपने एमपी पद को कंटिन्यू करना चाह रहे थे और एमपी थे। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी भी हमारे साथ है, पूजा आप बनी रहिए। ब्रह्म प्रकाश, इसे झटके के तौर पर देखा जाए या सिर्फ ऐसे देखा जाए कि पार्टी से तो वो पहले से ही बाहर हो चुके थे, लेकिन अब हो सकता है टीएमसी को कोई फायदा दे दे, भले बीजेपी को कोई नुकसान ना करे? देखिए पायोधी, जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा था पहली बार और जिस फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया था उसमें एक लाइन ये भी थी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होंगे, इस फेसबुक पोस्ट के थोड़ी देर बाद उन्होंने इस लाइन को बीच से हटा दिया, उसी के बाद से ही ये संभावना जताई जाने लगी थी कि आज ना कल वो टीएमसी में शामिल ही होंगे। और बीजेपी भी ये मान के पहले से चल रही थी, जिस तरह से देखिए बंगाल में स्थिति है, आप देखिए चुनाव के बाद से, विधानसभा चुनाव के बाद से वहाँ जो हालात बने, एक एक कर जो टीएमसी से छोड़कर आए थे बीजेपी में विधायक बने, वो भी कुछ विधायक वापस चले गए हैं, तो जिस तरह से वहाँ हालात थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जब तक वो मंत्री थे केंद्र सरकार में बाबुल सुप्रियो, तब तक वो रहे, जैसे ही मंत्री पद से हटाए गए इस बार के उसमें, तो उनका मूड बदल गया और उन्होंने वो फेसबुक पोस्ट लिखा, उसके बाद से ये कयास लगाया जाने लगा था कि वो एक ना एक दिन टीएमसी में शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी को एक झटका तो आप कह सकती हैं, लेकिन उस लिहाज से चूंकि अभी ना तो बंगाल में कोई ऐसे हाल ही में कोई चुनाव नहीं है, ना तो विधानसभा चुनाव है ना ही लोकसभा चुनाव है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्शन के पहले जो बीजेपी ने जो डेली जो योगदान मेला दिखाया था ना, अब उनका देखने का बारी है, वो सिर्फ देखते जाइए क्या क्या अभी होगा। बाबू सुप्रियो का जिस तरह से आना, सर जितेंद्र सिंह पहले टीएमसी में थे, वो बीजेपी में गए, फिर उसमें कुछ ना कुछ दोनों के बीच में अनबन हुई, सीट को लेके भी हुई है बातचीत, कहीं ना क्या देखता है सर इस पूरा इस संगठन को? देखिए उनका प्रॉब्लम है, ये भाजपा का अंदर का प्रॉब्लम है, वो पार्टी तो खुद भी कुछ भी नहीं है, वो एक गैस बैलून है, तो अभी उनका जो है इधर से उधर से लेकर एक खड़ा किया था, लेकिन आइडियोलॉजिकल कोई बैटल उनका अंदर में नहीं है, और वो जो एंटी पीपल पॉलिसी लेकर चल रहा है, कोई आदमी वहाँ पर वो रह नहीं सकता, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है, लोकल प्रॉब्लम हो रहा है, आदि और तत्काल भाजपा का जो प्रॉब्लम वो हो रहा है, तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे काम कर रहा है, तो बहुत लोग वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग अभी तृणमूल में वापस आना चाहता है, फ्रेश भी ज्वाइन करना चाहता है, यही हो रहा है। बाबू सुप्रियो को मैं किस जगह आप लोग देखते हैं, लोकसभा एमपी मंत्री पद रह चुके थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार तृणमूल कांग्रेस में? ब्रह्म प्रकाश, ये बात तो साफ है कि देखिए आपने, आपको एक जगह दी गई जब रीशफलिंग हुई बीजेपी में कैबिनेट की, उसमें कोई जगह नहीं मिली, लेकिन काम का क्रेडिट देते हुए लोगों को उसमें जगह दी गई थी, और जो जिम्मेदारी दी गई थी बाबुल सुप्रियो को, वो उतना बेहतर तरीके से नहीं निभा पाए, तो ये एक महत्वाकांक्षा उनके मन में थी। बिल्कुल, देखिए 5 साल से ज़्यादा वो राज्य मंत्री रहे हैं केंद्र में, मोदी सरकार में, और इस तरह का जो उनका काम, कहीं ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप कह सकें कि बाबुल सुप्रियो ने एक काम किया है। हालांकि ये भी सही बात है कि राज्य मंत्रियों को ज़्यादा करने को कुछ होता नहीं है, हमेशा ये बात रहती है कि उनको ज़्यादा काम करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि केंद्रीय मंत्री होता है, तो ये भी एक बात रहती है, लेकिन फिर भी देखिए आप, बाबुल सुप्रियो गायक हैं, वो आए थे बीजेपी में, आए थे 2014 में शामिल हुए, चुनाव लड़ा और इसके बाद जीत के वो केंद्र में मंत्री बन गए। बाबुल सुप्रियो कहते रहे कि देखिए जब उन्होंने बीजेपी में आए थे तो बंगाल में जब 2014 में 2 बीजेपी के सांसद थे, और उसके बाद से आप देखिए कि 2018 तक ये संख्या पहुंच गई है, तो बाबुल सुप्रियो इसको तो दिखाते हैं कि देखिए ये संख्या 18 तक पहुंची, लेकिन इसके पीछे क्या उनकी भूमिका रही है या किस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, इसमें वो इसको ज्यादा नहीं गिनाते हैं, वो ये मानते हैं कि उनका भी इसमें योगदान रहा है, और जाहिर तौर पर जो भी बीजेपी में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नेता रहता है उसका अपना योगदान तो होता ही है, लेकिन अगर यदि इस तरह
से देखें कि क्या इससे बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसको शायद बड़ा नुकसान आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव है, ऐसा चुनाव जिससे पार्टी को ज़्यादा वहाँ पर छवि हो, और कोई बड़ा जनाधार वाले कोई नेता भी नहीं इस तरह से आप कह सकती हैं उनको, क्योंकि कोई खांटी पॉलिटिशियन नहीं है, वो गायक थे, पॉलिटिकल पार्टी में आए, राजनीति में आए, उसके बाद सांसद बन गए और लगातार मंत्री बन गए, तो अब तृणमूल कांग्रेस में गए हैं, हो सकता है टीएमसी आगे चल के उनको राज्यसभा से सांसद भी बना दे, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से जो गई थी वो महिला सांसद, जो महिला नेता, उनको भी राज्यसभा का सांसद दिया गया है, तो हो सकता है कि आगे बाबुल सुप्रियो को भी टीएमसी राज्यसभा में भेज दे, हो सकता है। लेकिन अगर इसको नफा नुकसान के लिहाज से तोलें तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि आज ना कल ये पार्टी को छोड़ेंगे ही, अलविदा कहेंगे ही, जिस तरह से उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिस तरह से संसद में हम देखते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह का वो अंदाज था, वो कह रहे थे कि मैं एक्टिव नहीं रहूँगा, जब वो पार्लियामेंट में आते थे तो हम लोग जब कैमरे पर बात करने के लिए बोलते थे तो वो बोलते थे कि हम एक्टिव नहीं हैं पार्टी में, तो इस तरह के संकेत वो पहले से दे रहे थे कि, और बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत हुई थी तब भी हम बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि जिस तरह का देखिए कार्यकर्ताओं पे दबाव है, चुनाव के बाद से हिंसा हुई वहां, और जिस तरह से जो विधायक भी बीजेपी में आए थे, जो वहां से टीएमसी छोड़कर नेता आए थे, उन पर कहीं ना कहीं एक दबाव है, और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अभी कुछ और नेता हो सकता है टीएमसी में वापस जाए, छोड़कर जाए, तो ये बीजेपी पहले से मानकर चल रही है। नुकसान की जब बात करें ब्रह्म प्रकाश दुबे, तो इतना नुकसान अब क्योंकि तो चुनाव आने भी नहीं है, चुनाव हो चुके हैं और सबने अपने अपने रणनीति के तहत काम किया, तो अभी इसमें नफा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अपनी महत्वाकांक्षाएं बाबुल सुप्रियो की जिसको वो जाहिर भी कर चुके हैं, ये तस्वीर हम उससे जोड़कर अगर देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अभी दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ब्रह्म प्रकाश आप बने रहिएगा मेरे साथ, ये दो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये आज की दो सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें, एक पंजाब कांग्रेस में जो उहापोह मचा हुआ है, और अभी जो ये लेटेस्ट जानकारी आई कि बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन की है, अभिषेक जिन्हें उन्हें टीएमसी ज्वाइन करवाई, उनका स्वागत किया और बहुत गुपचुप तरीके से ये सब हुआ, उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आई, भनक भी नहीं लगी टीएमसी की तरफ से भी, किसी भी तरह की कोई जानकारी सूत्रों की तरफ से भी नहीं आई थी, और वो बाबुल सुप्रियो जिनका नाम अभी स्टार प्रचारकों की सूची में भी था, अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। एक फेक फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा था जब रीशफलिंग हुई थी मोदी कैबिनेट की और उन्हें कोई जगह नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा था कि अब वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, बात उन्होंने कही और फिर उसके बाद इस लाइन को हटाया, और तभी से कयास तेज हो गए थे, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर थी कि बाबुल सुप्रियो अब पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन अब ये तस्वीर सच, टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ये अभिषेक बैनर्जी हैं जिनका हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए टीएमसी में स्वागत उनका किया गया, और कांग्रेस पंजाब में क्या आलाकमान फैसला लेती है, क्या कैप्टन की कुर्सी जाएगी, सिद्धू को लेकर क्या रणनीति है, सब पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।